हम ये देखेंगे कि स्पीच राइटिंग कैसे करते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट लाइक एज आर्टिकल, आर्टिकल जैसे इसका भी फॉर्मेट होता है, पर थोड़े से इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो आर्टिकल से अलग होता है। अब वो आर्टिकल से डिफरेंसेस क्या होता है वो हम उसको देखेंगे, और सबसे पहले ये जानेंगे कि स्पीच राइटिंग को राइट कैसे करते हैं। फर्स्ट वी विल सी आवर क्वेश्चन। मैंने आपको एक फॉर्मेट्स बताया है कि स्पीच राइटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने क्वेश्चंस को राइट कर दिया है, जिसके थ्रू आपको ट्राई करूंगा कि उसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आए कि स्पीच राइटिंग करते कैसे यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि यही एक सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड इवन इन द प्रिवेंशन राइटिंग स्किल्स। अब हम इसके बारे में कहते हैं कि रेगुलर अगर हम कंटिन्यू क्या करते हैं, योगा की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, हमारा जो हेल्थ होता है वो भी मेंटेन बना रहता है, और यहाँ तक कि हमारा जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होता है। 21 ऑफ सो मैनी इनमेंट्स, जो तत्व होते हैं इनमेंट्स होते हैं वो 120 होते हैं। 21 राइट स्पीच, तो उसके बारे में हमको एक स्पीच राइट करना है जिसका वर्ड लिमिटेशन था 150 to 200 वर्ड, टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन द यूजफुलनेस ऑफ योगा। आपको क्या करना है, जो स्कूल में मॉर्निंग असेंबली है उसमें आपको एक स्पीच देना है अबाउट यूजफुलनेस ऑफ योगा, योगा का जो यूजफुल है उसका आपको असेंबली में क्या करनी है, स्पीच राइट करना है, एज ए स्पीच कहना है। अब हम देखते हैं कि हमने जान लिया कि किसी और क्वेश्चन। अब सबसे फर्स्ट जो हमको जानना है अबाउट स्पीच राइटिंग कि हमको करना क्या है, फर्स्ट एज अ इससे पहले हमने किसमें देखा है, आर्टिकल्स में देयर हैव अ हेडिंग बट स्पीच हैव नो हेडिंग, स्पीच में कोई हेडिंग्स नहीं होता, डायरेक्ट हम स्पीच को राइट करते हैं। तो स्पीच में हेडिंग्स ना होने के कारण उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है आपका एज इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑडियंस। अब ऑडियंस का इंट्रोडक्शन कैसे करना है, एज यूज ऑफ हम्बल्स फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, तो ये आपके लिए क्या है, ऐसे रेस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं जो आपको किसी भी एज ऑडियंस और टीचर्स और प्रिंसिपल्स आपको क्या करने हैं, सेबिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन और एवरीथिंग एल्स। सेकंड ये आपके हो गए फर्स्ट, अब सेकंड में हम जाते हैं, सो दैट इज योर सेल्फ इंट्रोडक्शन हु यू आर। अब आपको देखने हैं व्हाट इज योर सेकंड थिंग इज हु यू आर कि आप कौन हो, और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड थिंग आप कौन हो, उसके बाद कम टू अदर पॉइंट थर्ड अबाउट द ऑडियंस, व्हेन व्हाट इज योर टॉपिक व्हाट यू वांट टू से दैट इज योर थर्ड थिंग, सो इट इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस यू विल बी रिमेंबर थ्री थिंग्स, फर्स्ट एज द गुड मॉर्निंग अबाउट द ऑडियंस, सेकंड वन योर इंट्रोडक्शंस, एंड थर्ड वन इट्स योर ऑडियंस अबाउट द टॉपिक, यू विल बी डिस्क्राइब द टॉपिक। कम टू द सेकंड पॉइंट, ये हमने फर्स्ट बता दिया, सेकंड पॉइंट अबाउट द बॉडी, जस्ट लाइक एज अ आर्टिकल, आर्टिकल्स में भी हमने क्या बताया था बॉडी, तो सेम विद द बॉडी, इन बॉडी यू विल बी राइट अबाउट द टॉपिक्स एंड यू विल बी गिव सम एग्जांपल्स रिलेटेड ऑफ योर टॉपिक, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द बॉडी बिकॉज इन बॉडी विल बी कम एज 4 marks। कम टू द थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड कंक्लूजन्स, अब कंक्लूजन्स के थ्रू आपको क्या मिलते हैं 5 marks एज रिलेटेड योर एक्सप्रेशन, रिलेटेड योर स्पेलिंग मिस्टेक्स एज ग्रामेटिकल एंड एक्यूरेसी, दिस इज योर थिंग्स अबाउट द 5 marks। अभी 5 marks आपके लिए इजली तो नहीं है, तो वो आपको क्या करना है, यू विल बी शो योर एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी शो करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। इन लास्ट पॉइंट conclusions, conclusions have you will be talked and finished about your topic, and important for everyone, don't forget this, thank you, it is very important in your ending of conclusion।
लेट्स सी। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और मैम, इफ यू आर एनी वन ऑफ बिकॉज वी आर गेटिंग अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ असेंबली। टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई एम का तुम्हारे अपना नेम लिख दिया है। इफ दे हैव गिवन एनी नेम यू कैन मेंशन। अब आपको जो नेम दिया गया होगा आपको उसमें क्या करने है, मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने ना लिख के शॉर्ट में अपने ब्रैकेट्स में मैंने अपने खुद का नेम लिख दिया है, तो आपको उस वैसा ही करना है। हैव कम बिफोर यू और स्पीक ऑन द यूजफुलनेस ऑफ योगा। सॉरी आपके एस हो गए, यूजफुलनेस ऑफ द योगा। आपको क्या कर रहे हैं, जो इसमें हम यूजफुल नहीं है योगा के बारे में उसको हम बता रहे हैं। योगा मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिटी विद वंस इनर बीइंग। योगा हमारे क्या होते हैं, खुद की जो अंदर की आत्मा होती है, अंदर आत्मा होती है, उसको हमको क्या करती है, खुद का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको बताने लगता है। योगा इज द संस्कृत वर्ड, जो योगा क्या है वो किससे बना है, संस्कृत वर्ड से बना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में जो ऑडियंस है उनको बता रहे हैं। फॉर यूनियन, यूनियन वर्ड से बना है। इट हैज बीन, अब हम आ जाते हैं बॉडी पे। इट हैज बीन अ प्रैक्टिस दैट यूजेस पोस्चर्स एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स इन इंडियस। उससे क्या होता है, हमारा लगातार उसको प्रैक्टिस करने से हमारे जो ब्रीथिंग टेक्निक है उसमें इम्प्रूव होता है, रिलैक्सेशन हमको आराम से मिलता है, एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ, और हमारी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगती है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द बेनिफिट्स ऑफ योगा हैज नाउ बिकम अ वे ऑफ लाइफ विद द एम ऑफ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। लास्ट कुछ ईयर्स हम क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जो हमारे लिए क्या करता है, बेनिफिट्स देता है। अब वो बेनिफिट्स क्या होता है, बिकम अ वे ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का एक ऐसा वे बन चुका है, विद द एम ऑफ हेल्दी माइंड, जो हमें हेल्दी माइंड देता है, इन अ हेल्दी बॉडी, और हमको कौन सा क्या करता है, हेल्दी बॉडी भी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स दैट इज द वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। वॉट इज योगा, बैड इज द फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल being, and yoga helps to promote a balanced development of all the three in three things, abo kya hai, physical, mental and spiritual, sharirik, manasik aur jisko bolte hain aatmik, in tino cheezon se kya karta hai yoga, humko lagatar hum pe balance bana ke rakhta hai, aur in teen cheeze hum pe kya hote hain, continue they have a dialogue, ye lagatar hum pe badhta hai, this is your body। अब आपको क्या करना है, विल बी, मैंने आपको सिर्फ एक हिंट्स दिया कि कैसे आपको राइट्स करना है। तो हियर आई एम टेलिंग अबाउट द डॉट डॉट, इट मींस यू विल बी कंटिन्यू अबाउट दैट स्पीच। आप उस स्पीच को कंटिन्यू फॉलो करोगे, आपको लास्ट में जो लिखना है, सो दिस इज योर, व्हाट इज कंक्लूजन, एंडिंग ऑफ कंक्लूजन इज थैंक यू। आपको ये चीजें नहीं भूलना है कि आपको थैंक यू लिखना ही, इट इज योर कंपल्सरी इन यू आर राइट स्पीच। अगर आप जब स्पीच लिखोगे तो थैंक यू लिखना है, और जब आप क्या करोगे, आर्टिकल्स राइट करोगे, तो आर्टिकल्स का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको आर्टिकल्स लिखना है तो वो हेडिंग रहेगा, बट जब स्पीच लिखोगे सो हियर आई हैव नो एनी टाइटल और हेडिंग। आपको टाइटल्स इसमें कोई नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको जो गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करने हैं, और आपका जो फर्स्ट सेल्फ योर सेल्फ आपको इंट्रोड्यूस करना है अबाउट दैट ऑडियंस का, तो ये आपका क्या है, स्पीच राइटिंग्स का फॉर्मेट है। यार आपको पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो विद शेयर ऑल।